नमस्कार, स्वागत आपका आवाम की आवाज में। मैं हूँ आपके साथ पारुल। आवाम की आवाज में एक ऐसी खबर आपको बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। जी हाँ, आपने सुना है कभी कि लोगों के मरने के बाद उन्हें योजनाओं का फायदा मिलता हो? लेकिन हो रहा है इस देश में, इस मध्य प्रदेश में, जहां मुर्दों के नाम पर मकान की स्वीकृति हो जाती है। आज आवाम की आवाज में बात करेंगे कटनी की बिलहरी ग्राम पंचायत की। तो आवाम की आवाज देख रहे हैं आप, और आवाम की आवाज में आज बात मुर्दों के मकान को लेकर। जी हाँ, देश में कई ऐसे परिवार हैं जिनके सिर पर छत नहीं है, कोई किराए के मकान पर तो कोई फुटपाथ पर रहकर जीवन यापन कर रहा है। इन्हीं गरीबों को मकान दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम आवास योजना शुरू की। इस योजना के तहत सरकार गरीबों को घर देती है, लेकिन केंद्र की इस योजना को जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों कर्मचारियों ने अपनी कमाई का एक अलग ही जरिया बना लिया है। हितग्राहियों की जगह मुर्दों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है, और जो सच में योजना के पात्र है ना, योजना का लाभ पाने के लिए कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं मिल रहा। कुछ ऐसा ही मामला कटनी जिले में निकलकर सामने आया है, जहां जीवित इंसान तो पीएम आवास योजना के लाभ से वंचित है, लेकिन मुर्दों के मकान खड़े हो रहे हैं। आप देखिए रिपोर्ट। ग्राम पंचायत ने पार की भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा, मृतकों को भी दे दिए पीएम आवास का लाभ। आवास योजना राशि का चल रहा बंदरबांट। उप सरपंच ने खोली सरपंच सचिव की पोल। सुनने में तो ये किसी हिंदी फिल्म की कहानी लगती है, जिसमें किसी जिंदा शख्स को कागजों में मृत घोषित कर दिया गया हो और वो अपने जिंदा होने का सबूत इकट्ठा कर रहा हो। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है मध्य प्रदेश के कटनी जिले में, जहां सरपंच और सचिव ने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा ही पार कर दी। सरपंच ने पीएम आवास योजना का लाभ ऐसे हितग्राहियों को दे दिया है जो जिंदा ही नहीं है। इतना ही नहीं, सरपंच ने मुर्दा महिला को मिली योजना की राशि को भी निकाल लिया। मामला जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत बिलहरी का है, जहां के जनप्रतिनिधियों की कारगुजारी से जिला प्रशासन तक हिल गया, और इस भ्रष्टाचार का खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि वहीं के उप सरपंच ने किया है। यहां पर दो मकान आए थे, एक परमीबाई के नाम से जो कि कंप्लीट सूची में 16वें नंबर पर है, और एक द्रौपदीबाई के नाम पर जो कि कंप्लीट सूची में 19वें नंबर पर है। परमीबाई का मकान कंप्लीट सूची में कंप्लीट बता रहा है और द्रौपदीबाई का लेंटल लेवल बता रहा है, लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि दोनों के एक पैसा भी नहीं आया खाते में, और उनकी पासबुक भी यहीं पे है। उसका पैसा आखिर गया कहाँ, ना उसके खाते में। जब 2016 में उसकी मृत्यु हो गई तो उसका 17-18 में कैसे आवास का पैसा निकल गया? कि शिकायत भी मैंने किया कलेक्टर साहब को, जिला पंचायत सीईओ को, लेकिन उसमें उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। तो इसके बाद मैंने इसकी शिकायत एसपी महोदय के यहाँ किया, और उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। जो प्रधानमंत्री आवास का पैसा है वो मैं जानता हूँ, अच्छी तरीके जानता हूँ कि इसमें सरपंच, सचिव, पीसीओ और एडीओ तथा जनपद सीओ ही इनमें संलिप्त हैं। ग्राम पंचायत बिलहरी के जनप्रतिनिधियों ने केवल मुर्दों को ही मकान नहीं दिया है, बल्कि कागजों पर ऐसे मकान भी बना दिए जो हकीकत में दिखाई नहीं दे रहे। गांव की ही एक हितग्राही मुन्नी बाई, जिसका मकान गिर चुका है, उसे पीएम आवास योजना के हितग्राहियों में शामिल भी किया गया, लेकिन सरपंच ने मुन्नी बाई का मकान बनवाने के बजाय उसको मिली आवास योजना की राशि का बंदरबांट कर लिया। आपका कब से है, माता जी का कब देहांत हो गया था? ये 2017 में। 17 जी। तो क्या उनके नाम से मकान स्वीकृत हुआ है? जी हुआ था ना। पैसा मिला था? नहीं मिला। नहीं मिला जी। तो ये मकान लिस्ट में तो नाम है कि आपको पैसा मिल चुका है? तो नहीं बना साहब, ये ऐसा ही है। इस भ्रष्टाचार की जानकारी जब जिला प्रशासन को दी गई, तो जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी भी दंग रह गए। उन्होंने तत्काल सभी हितग्राहियों की रिपोर्ट चेक कराई, जिसमें सभी आरोप सही पाए गए, जिसके बाद मुख्य कार्यपालन अधिकारी जगदीश कोमे ने आवास योजना में हुए इस भ्रष्टाचार की तत्काल जांच के आदेश दिए, और दोषियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने की बात भी कही। इसमें आपने द्रौपदी बाई, परमी बाई और मुन्नी बाई के 3 एप्लीकेशन दिए हैं, जिसमें द्रौपदी बाई और परमी बाई की डेथ हो गई है,
2016 में आपने जैसा बताया कि परमी बाई की डेथ हो गई है और 2017 में उनके मकान को पूर्ण करके और उसमें जियोटेक किए गए हैं। जो शिकायत में प्रथम दृष्टया दिख रहा है कि उनके मकान बने नहीं हैं, जो आपने वीडियोग्राफ्स और ये बताए हैं उसके मुताबिक, लेकिन आपके सामने ही जस्ट मैंने अभी अपने पोर्टल पे देख रहा हूँ कि कुछ मकान आधे अधूरे और कुछ मकान बने हुए बताए गए हैं। इस संबंध में हम आपने जो शिकायत दी है इसकी तत्काल जांच भी करवाएंगे, लेकिन इस प्रकरण में आश्चर्य इस बात का है कि जिसकी 2016 में डेथ हो गई है उनको 2017 में मकान पूर्णता पे उनको खड़ा करके जो फोटोग्राफ्स जो मेरे जियोटेक में देखे हैं वो मेरे लिए आश्चर्यजनक है और इसकी जांच करना बहुत ज़रूरी है और इसमें दंडात्मक कार्रवाई भी उसी तरीके से होगी जैसा आप अपेक्षा कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों का लालच इस कदर बढ़ गया है कि वे मुर्दों को भी योजनाओं का लाभ दिला रहे हैं और जिन लोगों को इसकी दरकार रहती है वे आज भी योजना से वंचित हैं। हालांकि मामला उजागर होने के बाद जिला पंचायत सीईओ ने कार्रवाई की बात जरूर कही है, लेकिन अब देखना होगा कि शासन और प्रशासन इन भ्रष्टाचारियों पर क्या कार्रवाई करता है और कब तक हितग्राहियों को उनका हक मिल सकेगा, या फिर अन्य मामलों की तरह कुछ दिन बाद ये मामला भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। कटनी से अनादि टीवी के लिए संवाददाता नवनीत की रिपोर्ट। तो सुना आपने, जो 2016 में परलोक सुधार गए ना, उनके नाम पर 17-18 में मकान स्वीकृत हुआ और धरातल पर कुछ भी नहीं। तो सरपंच और सचिव या इस कैटेगरी के जो अधिकारी होते हैं, जो जिम्मेदार लोग होते हैं, ये किस तरह से भ्रष्टाचार करते हैं ये आप समझिए। मरने वालों को भी नहीं छोड़ते ये लोग जब अपने जेब भरने की बात आती है ना। चलिए, नवनीत गुप्ता संवाददाता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं और भी ज़्यादा इस खबर के बारे में बताएंगे, पूरी रिपोर्ट उन्होंने ही बनाई है। नवनीत, तो जो परलोक सुधार गए उन्हें कागज़ों में जिंदा कर दिया, पैसे निकाल लिए और अभी भी शायद इस तरह की न जाने कितनी और खबरें होंगी जो दब चुकी होंगी। हालांकि अब सीओ साहब कह रहे हैं कि इन मामले में कार्रवाई होगी, ये इतना हौसला इनके पास आता कहां से है? ये मरे हुए लोगों के ऊपर भी, जिनकी डेथ हो चुकी है उनके ऊपर भी ये भ्रष्टाचार कर लेते हैं। जी मैडम, देख, सभी ग्राम पंचायत कटनी से मुश्किल से 15 किलोमीटर दूरी पर एक ग्राम पंचायत है बलहरी, ठीक है। तो इसमें जो परमी बाई के नाम की मृत्यु 2016 में होने के बाद भी उसको 2017 में आवासीय योजना का पूर्ण रूप से कंप्लीट मकान दिखाकर लाभ दिया गया है, ये पैसा किसके पास गया है, कहां गया है, अभी इसकी जानकारी भी कोई भी संबंधित अधिकारी जिला पंचायत सीओ नहीं दे पाए हैं। सिर्फ उन्होंने चैट में ही देखा, मास्टर होता है जो उनके पास, उन्होंने देखा कि इसको कंप्लीट कैसे दिखा गया है, उसकी कार्रवाई अभी की जाएगी। इसके बाद एक और इनका द्रौपदी बाई है जो 2017 में इनकी 10वें महीने मृत्यु हो चुकी थी, इनकी पहली किस्त भी आवासीय योजना का लाभ इनको इनके पास स्वयं नहीं पहुंचा, पर पता नहीं कब स्वीकृत हो गई। उसके बाद भी दो किस्त और एक 40,000 की एक 25,000 की किस्त भी निकाली गई है सरपंच सचिव द्वारा, उप सरपंच के द्वारा, जो सरपंच सचिव के द्वारा वो अपहरण का शिकायत दर्ज की थी इन लोग की, उसके तहत में उप सरपंच यहाँ सक्रिय रूप से जनता के बीच में खड़े होकर जो इन्होंने उजागर किया, एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया जो कि जनहित के लिए है, अपने देश के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, सभी जनता के हित का काम किया हुआ है। इस मामले में आप जो आरोप लग रहे हैं वो किस पर लग रहे हैं ये बताइए मुझे। आरोप लग रहे हैं सरपंच पे लग रहे हैं, सचिव पे लग रहे हैं, जनपद सीओ पे भी आरोप लग रहे हैं इस पर, और उप सरपंच ने आरोप यहाँ तक जिला पंचायत सीओ पर तक भी लगाए हुए हैं, जगदीश भोमे जी हैं, जो कि हमने यहाँ पर भी पहले शिकायत की थी पर इस पर किसी प्रकार की कार्रवाई, शायद ये कार्रवाई पहले होती तो ये आगे इतनी कहाँ नहीं बढ़ती, इतने आरोपी इतने मतलब। रुकिए नवनीत, रुकिए, सरपंच गौरी शंकर हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। गौरी शंकर जी, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। गौरी शंकर जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी। गौरीशंकर गोस्वामी जी, आप सरपंच हैं और आप पर ये आरोप लग रहे हैं कि जो लोग मर गए, जो लोग परलोक सुधार गए उनके नाम पर मकान स्वीकृत हो गए? नहीं, ऐसा नहीं है मैडम जी। हाँ, क्या है उसमें जो एक एक क्या नाम था उसका, दो महिलाएं थी। हाँ, एक का नाम परमी बाई है, दूसरी का नाम द्रौपदी, और तीसरे का जो आरोप लग रहा है वो मुन्नी बाई है, कही? हाँ, तो उसमें क्या था, आईडी बदल दी है उसने जीआरएस ने। क्या कहना, आईडी बदल दिया है जीआरएस ने, तीन मकान है, आवास तीनों बने हुए हैं, तीन आवास बने हुए हैं, जिसके नाम पर पैसा स्वीकृत होता है उसके कागज लगते हैं ना, फोटो लगता है ना जी, उसके परिवार राशन कार्ड वगैरह लगता है, नहीं लगता है जी? बिल्कुल लगता है।
सारे दस्तावेज लगते हैं ना, तो आईडी कैसे बदल गई? और पैसा 2016 में जो लोग मर चुके हैं उनके नाम पर 2017-18 में पैसा आता है, और उसके बारे में आप अपने सीनियर अधिकारियों को कुछ बताते ही नहीं है। जब खबर सामने आती है मीडिया के, तब आप लोग अपनी चुप्पी तोड़ते हैं। नहीं मैडम जी, इसका मतलब ये जो सचिव है GRS है, कंप्यूटर तो हम जानते नहीं। हाँ। अब उसने आईडी कैसे बदल दिया हमको क्या मालूम? अरे सचिव जी आ गए। सचिव जी क्या नाम बताया सचिव जी का? रामरतन यादव जी आ गए हैं। रामरतन यादव जी कंप्यूटर चलाते हैं, आईडी बदल देते हैं आप? नहीं मैडम, ये सरपंच जी तो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं आपने आईडी बदली है। नहीं सरपंच महोदय से नहीं बोल रहे हैं, मामला 2017 का है। उस समय जो रोजगार सहायक सचिव थे वो शायद सरपंच महोदय का कहना है कि मतलब ये मेरे को कोई जानकारी नहीं दी 2017 में। जो मुझे सीधा सवाल का सीधा जवाब दीजिए, ये परमी बाई और द्रौपदी बाई, इनकी मृत्यु हो गई तो इनके नाम पर पैसा कैसे स्वीकृत हुआ और निकाल कैसे लिया गया, ये बताइए। मैडम जी उस वक्त मैं नहीं था यहाँ पे, है ना, मैं अभी आया हूँ। कब आए आप? मैं 2018 में आया हूँ। 2012 में आया, तो ये 2017-18 की बात हो रही है ना? अरे 18 में आया हूँ, 12 नहीं 18। 18 में आए हैं? एक केस मेरे समय के नहीं है, कोई भी केस इसमें से जो दिखा रहे हैं न्यूज चैनलों में। हाँ। वो मेरे जमाने के नहीं है ना। 18 कौन सा महीना, नियुक्ति कौन से महीने की आपकी? मेरी यहाँ मैं नवंबर में आया हूँ यहाँ पे, है ना, 2018 नवंबर में आए हैं। सरपंच जी आपका कार्यकाल कहाँ से शुरू हुआ? 15 से। तो कल्पित किसे माने, इनको, राम रतन जी को या आपको? नहीं राम रतन तो उस समय, राम रतन कह रहे हैं मैं 18 में ज्वाइन हुआ हूँ। एक मिनट, जो तत्कालीन सचिव थे उस समय। तो तत्कालीन सचिव क्या नाम है उनका बताइए? राजन महोबिया जी। और आप क्या कर रहे थे जब उनने ये सब कर दिया, तो आप क्या कर रहे थे? आपने कहीं जाकर दरवाजा नहीं खटखटाया कि मेरे साथ अत्याचार हो गया है, मेरा नाम आगे बढ़ाकर या भ्रष्टाचार हो रहा है? नहीं, कहा आपने कहीं जाके? कहा, कहीं तो शिकायत की होगी? नहीं, हमने जब हमको जाने का डकार गए पैसा जी, डकार गए पैसा क्या? हमको कैसे मिलेगा पैसा? पैसा तो हितग्राही के खाते में गया मैडम। के खाते में जो मर गया उसके खाते में आ गया, तो उसके खाते से कैसे निकल गया बताइए? नहीं उसके खाते से नहीं निकला, दूसरे के खाते में गया है। आप जांच करिए ना, खाते में कैसे चला गया, कैसे चला गया दूसरे के खाते? वही तो हम, हितग्राही हैं, आपके दस्तावेज लगे हैं, डॉक्यूमेंट भी आपके लगे हैं, अकाउंट नंबर भी आपका गया है ना, तो स्वीकृत कैसे हो गया फिर? स्वीकृत ही नहीं होना चाहिए था। किसका? मेरा डॉक्यूमेंट लगा है? मैं तो एग्जांपल दे रही हूँ, अगर कोई भी व्यक्ति जिसके नाम पर आपने जिसके दस्तावेज लगाए हैं कि आधार कार्ड लगा है फला, अगर हम चलिए जो नाम है जिनका परमी बाई, जिनकी डेथ हो चुकी है, उनके कागज लगे होंगे, उनके खाते की डिटेल डली होगी, तो पैसा भी उन्हीं के खाते में आएगा ना? ये कहीं और का कागज फंसा दिया खाते के नाम पर, तो उसके खाते में आएगा ना? इसकी, तो खाते इसका, में इसका से पैसा आपको राम रतन जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप जब 2018 में आपकी ज्वाइनिंग हुई है तो मतलब ही नहीं आपसे कोई बात करने का, रख दीजिए। हाँ सरपंच साहब बताइए सरपंच जी, गोस्वामी जी बोलिए। मैं बता रहा हूँ ना, उस समय सीओ साहब भी कह रहे हैं कि जांच होगी। बोलिए, जो लोग 2016 में जिनकी डेथ हो चुकी है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, 17-18 में उनके उनके लिए मकान स्वीकृत कैसे हो जाता है? पंचायत में रिकॉर्ड रहता है ना कौन जीवित है कौन मर गया? तो आप कहाँ हो फिर, कौन सी दुनिया में रह रहे हो? कितना पैसा आपको मिला और आपके जूनियर्स को मिला, या पुराने जो सचिव जो अब नहीं है, निवर्तमान हो गए है ना, उनकी जेब में कितना पैसा गया, ये बताइए। मैडम किसी को कोई पैसा नहीं मिला, पैसा तो ये गाला कैसे हो गया, इतना बड़ा भ्रष्टाचार कैसे हो गया? भ्रष्टाचार नहीं हुआ मैडम, आईडी बदल के दूसरे के खाते में पैसा गया है। तो आपको नहीं पता चला? ऑलरेडी उसका है? निकलवाने के लिए तो कोई जाता है ना साथ में, उसका मकान मैडम जिसके खाते में पैसा गया उसका मकान बना हुआ है। जब ये व्यक्ति है जिसके नाम के कागज लगे हुए हैं परमी बाई, ठीक है ना, इन्हीं के नाम पर मकान स्वीकृत है ना? परमी बाई का परमी बाई की आईडी लगी है, खाता दूसरे का लगा है। अरे वाह सरपंच जी, क्या काम किया आपने। सुनिए सरपंच जी, अगर कंप्यूटर, सुनिए मैडम, अगर मैं आईडी और कंप्यूटर चलाता होता तो ये गलती भी ना होती। ये कंप्यूटर से GRS लोग इस पंचायत में बैठे हुए ना, इसी वजह से ये सारी चीजें हो रही है। इतने भोले सरपंच जी मत बनिए, क्या आपको कुछ पता ही नहीं? नहीं, आप जानकारी सचिव से क्यों नहीं ले रहे? तत्कालीन सचिव से आप सचिव का नंबर दीजिए, मैं भी फोन लगवाती हूँ। अब भी दे रही हूँ, दे रहा हूँ। उनसे क्यों पूछूं मैं, सरपंच आप है ना जी? हाँ मैं तो, मैं उनसे तो बात करूंगी। आप कौन सी दुनिया में रह रहे थे जब ये सब हो रहा था? तो आपको कुछ भी नहीं पता चला, इतने सीधे हैं आप?
अरे मैडम पैसा हम लोगों ने नहीं कहा है, झूठा आरोप नहीं लगाइए, हमने पैसा नहीं कहा है। पैसा नाम बताइए ना, तो बता रहा हूँ ना, आप लोगों के पता हो नहीं हुए बगैर ये सारी चीजें हो सकती है क्या? सरपंच पंचायत का रिकॉर्ड रहता है ना सब चीजों का? बिल्कुल रिकॉर्ड रहता है, रिकॉर्ड जी आ रहे हैं तो खाते के दस्तावेज कैसे लग गए? और आप क्या कर रहे हैं? रिकॉर्ड जी आ रहे हैं तो सचिव के पास रहता है, कंप्यूटर जीआरएस चलाता है और सचिव चलाता है, मैं नहीं चलाता। तो मेरे को ध्यान नहीं है इस बात की, हम जैसे सरपंचों को ना रखे जिन्हें कुछ पता ही नहीं होता। हाँ बिल्कुल ना रखे ना, शर्मानी चाहिए आप लोगों को, शर्मानी चाहिए, निहायती शर्मानी चाहिए मैं कह रही हूँ। चलिए रख दीजिए फोन, मतलब नहीं है आपसे कुछ कहने का, क्योंकि अब जो कार्रवाई होगी ना वो पता चलेगा उसमें आप लोग कहाँ तक फंसे हुए हैं, किस दलदल तक गए हुए हैं। मतलब ये जमाना है, इस हद तक भ्रष्टाचार हो रहा है, इस हद तक ये लोग लिप्त हैं इन सब मामलों में। ये जो लोग मर चुके हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है, उन तक को नहीं बख्शते। नवनीत हमारे साथ, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं। नवनीत, अभी राम रतन जो छुड़े हमारे साथ सचिव, उनका कहना है कि उनकी ज्वाइनिंग 2018 में हुई है और 2016 में जिनकी मृत्यु की हम बात कर रहे हैं, 2017-18 में उनको राशि स्वीकृत हुई थी। अब ये दस्तावेज जो कि सचिव द्वारा फिलअप किए जाते हैं, कंप्यूटराइज डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाते हैं, ये उनका कहना है कि मेरे टाइम का तो काम है ही नहीं। इनसे पहले जो अभी सरपंच जी भी नाम ले रहे हैं, राजन महोबिया, इनके बारे में कुछ सूचना मिल पाई, ये कहाँ है ये शख्स? ये वहाँ से घोघरा शायद कोई ग्राम पंचायत है, वहाँ पे अभी सचिव का प्रभार इनके पास 2018 में दिया गया है जहाँ तक मेरे नॉलेज में है। हाँ। और परंतु इन्होंने किसी पे यहाँ पे जो अभी तो चूंकि सचिव यही है तो इन्हीं के ऊपर बात अपन करेंगे। अब उस समय कौन से सचिव, इसकी जानकारी तो संबंधित अधिकारी ही बता पाएंगे कि क्या है उस समय की स्थिति। जी अभी सचिव यही है जो अभी वर्तमान में यादव जी हैं, तो है, लेकिन इनसे इसलिए हम ब्लेम करके बात नहीं कर सकते ना, क्योंकि कागजात इन्होंने सबमिट किए ही नहीं। हाँ, अब अगर पैसा 2017-18 में स्वीकृत हुआ, क्योंकि 17-18 में जो मिड सेशन होता है, जब सरकारी कागजात का चलता है, ऑडिट भी होता है, उस समय पर अगर ये राशि आई होगी नवम्बर मंथ में 2018 के 10वां महीना, उस वक्त इन्होंने ज्वाइन किया, तो तब तक तो गाड़ी निकल चुकी थी। नवंबर के बाद 15-10-2017 के बाद ही दो किस्त निकली गई हैं। अच्छा, लगाइए एक बार फिर से राम रतन जी को फोन लगाइए, और भी समझते हैं, आप बने रहिए नवनीत। नवनीत, अब जो इन लोगों के नाम पर ये राशि निकली है, इनका कहना है कि जो बैंक का खाता था वो किसी और का लगा दिया था, और जिसका बैंक का खाता लगाया था उसके तो मकान बन गए हैं। ये इतना दस्तावेजों का झोल कैसे हो जाता है? या कोई जो वहाँ पर खाते में से पैसे निकलवाने के लिए यहाँ सरपंच सचिव या कोई तो जाता होगा साथ में इनके? सरपंच सचिव जाता है, पर सरपंच सचिव की मिली भगत से कार्य होता है, जो तो उप सरपंच के ऐसा विपक्ष में बैठे हुए जिन्होंने इसकी शिकायत बारीकी से की। हाँ, बारीक छानबीन करके इनको बड़ी मुश्किल से इनके ऊपर जो कार्रवाई की है। हाँ। जी, और इसका शिकायत को लेके अभी राम रतन जी एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर है। राम रतन जी, माफी कि आपको दोबारा आपको बड़ा डिस्टर्ब करना पड़ा है हमें। मुझे बताइए, 2018 का 10वां महीना है ना आपका ज्वाइनिंग हुआ, आपने मुझे ये बताया, अब उसके बाद 2000 मतलब ये 10वें महीने नवंबर के बाद भी राशि निकली है दो बार, ये इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में आपको कोई सूचना नहीं है? नहीं मैडम, इन जो चारों केस है इनके मामले में कोई सूचना नहीं है ना, आप इनके बारे में कुछ काम दस्तावेजों के काम को आपको करना पड़ता है, तो आपको क्यों नहीं है सूचना? इनकी राशि निकल चुकी थी उस समय जब आए, नहीं हमें तो ये सूचना मिल रही है ना, हमारे पास जो डॉक्यूमेंटेशन आए हैं आपके ग्राम पंचायत के, उसमें ये पता चल रहा है कि 10वें महीने के बाद यानी नवंबर महीने के बाद भी दो बार राशि निकली है। नहीं नहीं, हमने उसका जो नहीं नहीं मत कीजिए ना नवनीत, हमारे साथ हमारे संवाददाता इस पूरी रिपोर्ट को तैयार किया, आपके नहीं नहीं करने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी ना। जी मैडम, हमने उनका कोई जियो टैग नहीं किया है ना, हम चार जो पांच केस थे उसमें समय हमको जानकारी लग गई थी, तो हमने उन पर हस्तक्षेप कुछ भी नहीं किया। उसका कोई जियो टैग किया है चारों इकाई में से। मैं वही पूछ रही हूँ ना, आपको सारी चीजें पता है, वाह कितनी सफाई से आपने अपना जवाब दिया कि मेरी तो ज्वाइनिंग लेट हुई है, मैं तो बिल्कुल पाक साफ हूँ, है ना? अभी असलियत बता रहे हैं ना कि जियो टैगिंग नहीं था उसमें, और उसके बाद इनके किसी मामले में मैंने हस्तक्षेप नहीं किया। पगार किस बात की लेते हो आप लोग, सैलरी किस बात की लेते हो आप लोग, चुप रहने की, ये भ्रष्टाचार होते हुए देखने की? नहीं मैडम, जिसके बाद क्यों नहीं आवाज उठाई आपने? सरपंच पर तो कार्रवाई होगी, आप भी लपेटे में आएंगे?
जब भी मेरे को जानकारी हुई मैंने उसपे कोई आरोप नहीं लगाया। आपने क्यों नहीं कही सूचना दी, जिला पंचायत में देते, जनपद सीओ को कंप्लेन करते, लिखित में देते, क्यों नहीं कहा आपने किसी को? आप भी कल्पित है ना, सरपंच ने आपको भी अपने साथ लपेट में ले लिया कि चलो तुम भी इतना रख लेना, ऐसा हुआ है क्या? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। फिर क्या सच्चाई है बताइए, लहरी में बताइए, आप कोशिश कर रहे हैं बड़े अधिकारियों से बात करने, कोई कभी किसी से कोई एक रुपया नहीं लेता, ये तो बिल्कुल क्लियर है। ये होते हुए देखना भी तो गुनाह है ना भाई साहब? हाँ, होते हुए देखना भी तो गुनाह है ना। आपके सामने मर्डर हो रहा है और आप कहो कि मैंने देखा था लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, तो आप भी तो गुनहगार है ना? आपके सामने दो बार किसी मृत महिला के लिए राशि निकल जाती है, कागजात गलत लगे हुए हैं, आपको सब पता चलता है लेकिन आप कहीं नहीं बोलते। और 21 हो रहा है, 2021 चल रहा है, अभी तक आप चुप बैठे हुए हैं। आप कहीं तो कंप्लेन करेंगे कि अभी जागा आपका जमीर कि नहीं जागा? मृत लोगों के नाम पर पैसा निकाला आप लोगों ने, कंप्लेन करेंगे कहीं नहीं करेंगे? निकालेंगे वो दस्तावेज? जी जी करेंगे मैडम, कब करेंगे? हम कब रिपोर्टिंग कर ले उस चीज की, बताइए। जानकारी बना रहे हैं, कब बनाएंगे? वो कागजात की कॉपी चाहिए मीडिया को, बताइए कहाँ शिकायत करेंगे? हम लोग बैठे हैं, पीसीओ साहब बैठे हैं, हम बैठे हैं, सचिव बैठी है ना, बना रहे उनकी जानकारी निकाल रहे हैं। जानकारी का दस्तावेज मीडिया के साथ भी साझा कर लीजिएगा तो थोड़ा सा बच जाएंगे, वरना आप भी जाएंगे। जिला पंचायत चली गई है जी मैडम, मंगलवार को जांच हुई है जिला की। हेलो, कुछ नहीं हो सकता, आप जैसे लोग अगर हमारे देश में बैठे हुए ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टीम है ना, गांव को विकसित करें, हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं गांव विकसित होगा तो हमारा देश विकसित होगा, लेकिन आप जैसे लोग बैठे हुए ना, कुछ नहीं होने वाला। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, रख दीजिए फोन। नवनीत बने हुए हैं क्या हमारे साथ? तो ये हो रहा है हमारे प्रदेश में, आप देखिए, ये कटनी से 15 किलोमीटर के पास पड़ती है, ये बड़ी ग्राम पंचायत है जहाँ पर ये पूरा धांधली हो रही है, बिलहरी ग्राम पंचायत। अब सोचिए किस हद तक इनका भ्रष्टाचार करने का जो पराकाष्ठा है वो पहुँच चुकी है। लोगों की मृत्यु हो जाने के बाद आप सोचिए दस्तावेज गलत लग जाते हैं और वो अपलोड भी हो जाते हैं और स्वीकृत भी हो जाते हैं, ये कितने लोगों का इसमें पूरा सब, कितने लोग इसमें जुड़े हुए होंगे इस भ्रष्टाचार को करने में, आप खुद ही अंदाजा लगाइए। नवनीत एक बार फिर से जुड़े हुए हमारे साथ, हमारा संवाददाता नवनीत, ऊपर वाले ही समझे अब इनका जमीर जाग गया तो ये शिकायत करेंगे, वरना हम तो कोशिश कर ही रहे हैं कि जो बेचारे परलोक सुधार गए हैं, जो इस वक्त ऊपर भगवान के पास हैं, कम से कम उनको न्याय मिले। उनके नाम पर पैसा निकाल लिया गया, अपनी जेबें भर ली इन लोगों ने और उसके बाद अब किसी तरह से उस चीज को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि इस मामले में जांच होती है नहीं होती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए ना। 26 वर्ष